हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेप बाय 90। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने हाल ही में एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें मैंने शेप नाइप के बारे में डिस्कस किया था कि शेप नाइप के कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है और कितने पार्ट्स होते हैं बेसिकली एक शेप नाइप के। तो अगर आपको शेप नाइप के बारे में जानकारी चाहिए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में किचन नाइफ के बारे में हम डिस्कस करने वाला है, क्योंकि किचन में हम कई तरह के नाइफ यूज करते हैं, पर काफी बार ऐसे थे कि हमें वो नाइफ का एग्जैक्टली नेम है वो पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखते देखते आपको भी पता चलेगा कि हाँ, शायद ये जो नाम मैं यूज कर रहा था, ये नाइफ तो ये नाम ये नाइफ के लिए सही नहीं था इतना दिन से, जिस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाया शेफ कुकिंग के बारे में, किचन नॉलेज के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, फूड कॉस्टिंग के बारे में। तो सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल में विजिट कर सकते हो। मेरा चैनल में यूट्यूब शेफ बेन 90 शेफ बेन 90 में आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 11 किचन के जो नाइफ्स है और इसमें एक सीजर भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये भी एक नाइफ के अंदर ही हम गिन सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी हमें कटिंग करने में मदद करता है किचन में। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम बात करेंगे किचन शेप नाइफ के बारे में। शेप नाइफ के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि इसे शेप नाइफ क्यों कहा जाता है। इसे शेप नाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑल पर्पज नाइफ है। लाइक इससे हम छोटा से लेके बड़ा कोई भी चीज़, चाहे मीन्स से लेके हो, बड़े चिकन को भी हम इससे काट सकते हैं। तो इतना मजबूत होता है और इतने फ्रेंडली होता है, जिस वजह से इस नाइफ को शेप नाइफ कहा जाता है। और इसके बारे में हमने सबसे पहले बात करेंगे। और ये जो नाइफ है, ये 6 से लेके 12 इंच तक लंबा होता है। तो शेप नाइफ का लंबाई लेके आप फिक्स मत रहना। काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये 8 से लेके 14 तक भी हो सकता है। अब मॉडर्न ज़माने में लोगों ने तरह तरह के शेप नाइफ बनाने लगा है और उसके साइज़ का भी डिफरेंट आने लगा है। मैंने पहले ही कहा है कि ये जो नाइफ है सबसे फास्टेस्ट इजीएस्ट यूज़ के लिए है, इसलिए इसको हर एक किचन में हमें देखने मिलते हैं। तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास है यूटिलिटी नाइफ। यूटिलिटी नाइफ ये सेम शेप नाइफ की तरह ही होता है। हम इसे शेप नाइफ की मिनी वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि जो शेप नाइफ काफ़ी बार आपको पकड़ने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, जिस वजह से इस नाइफ का भी काफ़ी यूज़ होता है किचन इंडस्ट्री में। इसकी लंबाई होते हैं 4 to 7 इंचेस का होता है ये। ये भी बहुत ही अच्छा है अगर इसे हम वेजिटेबल्स कटिंग या मीट कटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है सैंटोक नाइफ। सैंटोक नाइफ जो है ये एक शेप नाइफ है, पर इसे स्पेशली जापानीज क्यूजिन के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने बाकी क्यूजिन के लिए इसको यूज़ करते हुए नहीं देखा है। सैंटोक जो नाइफ है इसे भी जापानीज शेप नाइफ हम कह सकते हैं। सैंटोक जिसका मीन है तीन तरीके, कटिंग के तीन तरीके, सैंटोक जिसके मतलब होता है, जैसे कि स्लाइसिंग और डाइसिंग और मिंसिंग। लाइक इस चॉपर से, सॉरी इस नाइफ से आप तीन तरीके के कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, जिस वजह से इसे नाम दिया गया सैंटोक। और जैसे मैंने पहले बताया, ये नाइफ ज़्यादा हमें यूज करने नहीं देखने मिलता है, क्योंकि ये जापानीज कुजिन में, जापानीज रेस्टोरेंट में इसे हम ज़्यादा देखने मिलते हैं। थर्ड नंबर पर आता है किचन सीजर। जी हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, सीजर को भी हमने इस कैटेगरी में इसलिए डाला है क्योंकि सीजर भी हमें कटिंग करने में मदद करता है और बहुत ज़्यादा मदद करता है कई बार, जिस वजह से हमने सीजर को भी ऐड किया है। सीजर भी कई तरीके के होते हैं। ये लोकल सीजर नहीं है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। इस सीजर को हम तरह तरह के चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इसका आप पीछे का हिस्से को आप देखोगे, यहाँ पे कुछ चीज़ लगा हुआ है जिसे हम क्रैप के लिए यूज़ करते हैं। आगे का हिस्सा को भी क्रैप के लिए यूज़ किया जाता है, जो एक कटा वाला राउंड जैसा दिख रहा है आपको। तो इसको भी मल्टीपर्पज के लिए यूज़ किया जाता है इस सीजर को। और सीजर के लिए एक खासियत होता है कि इसका एक साइड शार्प होता है, धार होता है, और एक साइड जो है धार नहीं होता है, उस तरफ आपको जो ब्लेड है ब्लेड की तरह दिखता है। तो ये भी किचन नाइफ, सॉरी किचन सीजर है, जिसे हम नाइफ कैटेगरी में लगाए। 5 नंबर पर हमारा आता है बोनिंग नाइफ। जी हाँ, बोनिंग नाइफ जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी करीब करीब शेप नाइफ की तरह ही है,
पर इसकी जो ब्लेड है ये ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह का नाइफ को हम मोस्टली नॉन वेज के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक बोनलेस चिकन को बोनलेस करने के लिए या फिर फिश को बोन निकालने के लिए, इस तरह का चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर इसको यूज़ करके आप ट्रिमिंग कर सकता है या फिर पिलिंग भी कर सकता है, लाइक गार्लिक वगैरह भी पिल करता है। इस नाइफ के जो लंबाई होते हैं वो 3 से लेके 8 इंच तक होते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास आता है ब्रेड नाइफ। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने हमने देखा है ब्रेड नाइफ हर एक किचन में मिलता है। तो ब्रेड नाइफ की जो लंबाई होता है ये 7 से लेकर 10 इंच तक इसकी लंबाई होते हैं, और ये जो ब्रेड नाइफ है आसानी से ब्रेड को काट सकता है। और इस नाइफ के आगे का हिस्से को सॉ, जैसे कि लकड़ी वगैरह काटने के लिए जिस तरह के की चीज़ हम यूज़ करते हैं उस तरह का होते हैं, जिस वजह से इसको ब्रेड को काटने में बड़ा मदद होता है विदाउट एनी प्रेशर के। तो 7 नंबर पे आता है क्लेवर। क्लेवर जैसे कि आप देख सकते हैं, जी हाँ, चॉपर मैंने साइड में ऑप्शनल लगाया है। आज तक बहुत लोग जो लोग को पता नहीं है कि इसे चॉपर नहीं से क्लेवर कहा जाता है। क्लेवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मोटाई को देखते हुए और इस चॉपर को या फिर क्लेवर को हम सबसे हार्ड मटेरियल को, लाइक चाहे वो बोन हो, एक पोक की या फिर मीट के बड़े पीछे हो, इस तरह का चीज़ को काटने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जिस वजह से इसे क्लेवर कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा, जी हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसे चॉपर नहीं, इसे क्लेवर कहा जाता है। 8 नंबर पे हमारे पास आता है पेरिंग नाइफ। पेरिंग नाइफ ऑलमोस्ट हर एक किचन में हमें देखने मिलता है। इसकी लंबाई होता है 3 to 4 इंचेस के, और इस तरह के नाइफ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्टली जब हम कार्विंग वगैरह भी कर सकते हैं इससे, जैसे कि आपको प्लेटिंग के लिए कुछ गार्निश बनाना उस टाइम पे भी यूज़ करते हैं, या फिर पीलिंग के लिए वेजिटेबल्स गार्लिक पीलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो पेरिंग नाइफ को भी काफ़ी अच्छा यूज़ है किचन में। और इस पे मैंने 3 पेरिंग नाइफ के टेप डाला है, क्योंकि पेरिंग नाइफ काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि नहीं, पेरिंग नाइफ मतलब वही नाइफ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने और 3 तरीके के नाइफ की डाला है फोटो, एक है बार्ड स्पेक, एक शिप्स फुट और है स्पेन पॉइंट। जो स्पेयर पॉइंट के नाइफ है, इस तरह का नाइफ या फिर बर्ड्स बेक जो नाइफ है, गार्निश के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस तरह का नाइफ को। पेरिंग नाइफ के काफ़ी तरीके के पेरिंग नाइफ होता है। आप ऐसा मत सोचना कि पेरिंग नाइफ जैसे मैंने दिखाया सिर्फ वही होगा, काफ़ी तरीके के मॉडर्न दुनिया में अब पेरिंग नाइफ आ चुका है। 9 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे स्टेक नाइफ के बारे में। स्टेक नाइफ हमने हर एक रेस्टोरेंट में देखने मिलते हैं, क्योंकि इस नाइफ को किचन में यूज़ नहीं किया जाता है, इसे गेस्ट टेबल पर रखा जाता है, ताकि जो कुक फूड है या फिर सैलाड है या फिर मीट है या फिर स्टेक है, चिकन के पीसेस या फिर कुछ वेजिटेबल्स के पीसेस को भी अगर काटना है तो इससे काट कर खाते हैं। तो ये जो स्टेक नाइफ है, काफ़ी तरह का स्टेक नाइफ होता है। जैसे फोटो मैंने डाला है, इसका नीचे का हिस्सा जो है ये आपको ब्लेड जैसा दिख रहा है, इस तरह का भी हो सकता है या फिर प्लेन भी हो सकता है स्टेक नाइफ भी। तो 10 नंबर पे आता है नाकिरी बोचो। नाकिरी बोचो ये भी एक जापानीज स्टाइल का नाइफ है। ऑलरेडी मैंने एक नाइफ पहले भी बताया था जो जापानीज शेप नाइफ था, और ये नाकिरी बोचो जापानीज स्टाइल का नाइफ है, ये भी शेप नाइफ की तरह ही है। इसका डिफरेंस इतना ही है कि इसके आगे का हिस्सा, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही शार्प होता है, जिसके लिए इस नाइफ को यूज करके आप इसके टिप को यूज करके छोटा या फिर बड़ा कोई भी चीज़ को काट सकते हो बहुत ही आसानी से। और इस तरह का नाइफ हमें बाकी रेस्टोरेंट में देखने नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं देखने के लिए। स्पेशली इस तरह का नाइफ को जापानीज रेस्टोरेंट में ही यूज़ किया जाता है। 11 नंबर पे आता है फिलेट नाइफ। जी हाँ, फिलेट नाइफ करीब करीब देखने के लिए हमको जो बोनिंग नाइफ है उसकी तरह ही देखते हैं, पर इसकी जो ब्लेड की लंबाई है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी और बोनिंग नाइफ के डिफरेंस इतना ही होता है कि जो फिलेट नाइफ है इसकी ब्लेड बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इस ब्लेड को यूज़ करके हम चाहे वो मीट हो, वेजिटेबल्स हो या फिर कुछ और चीज़ हो, उसे हम जैसे मन चाहे उस तरह के शेप दे के काट सकता है, क्योंकि इसके ब्लेड बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फ्लेट नाइफ और जो बोनिंग नाइफ है इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ ब्लेड का ही अंतर होता है कि जो बोनिंग नाइफ है उसका ब्लेड हार्ड होता है और फ्लेट नाइफ की
जो ब्लेड है उससे थोड़ा लंबा होता है और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 11 जो किचन में यूज़ होने वाला नाइफ के बारे में डिस्कस किया। हो सकता है कुछ नाइफ हमने डे टू डे लाइफ में हर दिन यूज़ करते हैं किचन में, पर हो सकता है कुछ नाइफ हमने अभी तक देखा भी नहीं है, या फिर हो सकता है उसके नाम भी हमें पता नहीं है। जैसे कि चॉपर के बारे में मैंने बताया, चॉपर को क्लेवर कहा जाता है। तो होप कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला। अगर मेरा साउंड जो है ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा तो सॉरी, क्योंकि मेरा जो माइक था वो बिगड़ गया और अब मैंने इस जस्ट मेरा हेडफोन को यूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ। पर ऑब्वियसली वीडियो को देखना, अगर अच्छा लगा जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। सो थैंक यू वेरी मच।